अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली फरीद ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप लोग? यह सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है? कुछ भी नहीं है। कल रात में मैंने कफिल को मैसेज किया था, बोला कि मुझे अभी तो स्कूल यहाँ पे बंद है 1 महीने के लिए, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो इसीलिए यहाँ पे बंद है। मैंने बोला कि मुझे जिम जिम एडमिशन करना है, मेरे को जिम जाना है। सुबह नमाज के बाद में 1 घंटा, वैसे तो मेरे को काम नहीं रहता है, सीधा दोपहर 1 बजे के बाद ही शायद काम मिल, कभी कभी सुबह में भी लगती है, लेकिन सूरज निकलने से पहले, मतलब सुबह की नमाज पढ़ के मैं जाके थोड़ा 1 घंटा एक्सरसाइज करके आता हूँ। बोल के ऐसा परमिशन मांगा तो उसने बोला, पता है क्या बोला? ओके भाई, जा जा कर ले क्या, ऐसे बोला, जा एक्सरसाइज कर गया और आज अभी मदरसा नहीं है, अभी तो सुबह कर गया, जब महीने के बाद वर्ल्ड कप के बाद मदरसा चालू होती, स्कूल चालू होती है, तब उसको छोड़ के आने के बाद तब कर ले, क्योंकि तब टाइम नहीं रहता है इसीलिए। तो अभी मुझे परमिशन तो मिल गया जिम ज्वाइन करने का। अभी दोपहर हो रही है, मैं खाना लेके आया, खाना खाया, इतना तीखा खाना खाया आज मैं, हाँ ठीक है। तो अभी देखेंगे आज वीडियो क्या होता है, आज कहाँ जाना पड़ता है। और जो मेरा एक ब्लॉग जो है वो ब्लॉक हो गया, पता नहीं अभी, पता नहीं कब ओपन होता है, क्योंकि मैं उसको एक वीडियो देखा यूट्यूब में कि ऐसा ऐसा करोगे तो उसको अनब्लॉक हो जाएगा, तो मैंने ऐसे ऐसे तरीके से कर दिया उसको, और मुझे ईमेल भी आया है कि 30 दिनों के अंदर वो वीडियो पब्लिक होती है। तो खैर छोड़ो, अभी क्या करें, पता नहीं कब पब्लिक होती है, होने छोड़ो। तो भैया खाना वाना खा के ना आराम से मोबाइल देखते बैठ गया था, तो आज नवंबर की 30 तारीख है ना, तो अभी मेरे को फ़ोन आया था, पेमेंट ले ले अपना बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने की पहली मेरी सैलरी 1500, 500 के 3, देखो 500 के कैसे हैं यहाँ पे, पहली सैलरी मिली मेरे को इस महीने की कतर की। तो अभी इसको इंडिया भेजना है, बहुत खुश हूँ मैं भैया। अभी अभी जाके मैं जिम ज्वाइन करके आया, लेकिन आपको मैं वीडियो बना के दिखा नहीं पाया, क्योंकि अभी मेरे को सुबह 5:30 बजे उठना है, अभी मेरे को खाना खा के सो जाना है, पता है 8:30 बज रहा है टाइम बराबर। अभी जाके मैं पैदल गया था, चलते चलते जाके जिम एडमिशन करा के आया, लेकिन जिम का क्या क्या है कल सुबह बताऊंगा, क्योंकि नमाज के बाद जिम जाना है, पहला दिन मेरा कल का, क्योंकि अभी मेरे को खाना खा के सोना है, सब बताऊंगा धीरे धीरे के जिम के रूल्स जो है ना वो बहुत तगड़े हैं यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे हाँ चलो उठे चल भाई जाके करके, ऐसा नहीं है यहाँ पे, रूल्स बहुत है, उसको फॉलो करना है, थोड़ा करेंगे क्या है? अच्छी हमारे लिए है ना वो रूल्स, अच्छा के लिए है, बताऊंगा सब रूल्स क्या क्या है। तो अभी खाना लेके आएंगे, बस खाना खा के सो जाएंगे, फिर कल मिलेंगे सुबह इसी ब्लॉग में, बाय। तो भैया सुबह के 5:30 बज रहे हैं, मैं जा रहा हूँ जिम जा रहा हूँ अभी जिम के लिए। भाई सुबह का मौसम जो है ना कतर का वो जबरदस्त है भाई। देखो भैया अभी लाइटें नहीं बंद हुई है, अभी मेरे को जिम जाना है दोबार के आगे। हाँ भैया जिम तो शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, भाई इतना वेट कौन उठाता भाई, वाह इतना वेट, वहाँ पे देखो 1 क्विंटल का है, 100 किलो का है। तो भैया जिम सब खत्म करके आ गए अभी सुबह के, पता है 7 बज रहा है, 5 बजे गया था मैं, 5:30 बजे गया था, जाके थोड़ा प्री वर्कआउट कर लेके थोड़ा मिक्स सब मिक्स मार के आ गया हूँ, ऐसा सब दर्द हो रहा भाई, 1 महीने के बाद करके आया हूँ जिम जाके, बहुत दर्द हो रहा है, जैसे नहाने के लिए गया हाथ ही नहीं उठ रहा है,
चलो खैर, चलो अभी क्या नहीं होता, कल से फिर नॉर्मल हो जाएंगे, फिर करेक्ट सही से एक्सरसाइज करके आएंगे कल से। हाँ मजा आया आज जिम में तो। आज पता नहीं, कल ड्यूटी नहीं गई, आज पता नहीं किधर जाते हैं, देखेंगे। अभी जाके मैं चाय और रोटी सैंडविच लेके आया हूँ, तो अभी नाश्ता वाश्ता करके थोड़ा आराम करेंगे, मिलेंगे बाद में। जिम कर का के नाश्ता वाश्ता करके थोड़ा आराम कर रहा था, जैसे कि आपको पता ही है, लेकिन क्या करे, बैंक को गया था पैसा डालने के लिए, उतने में मुझे फोन आ गया। अभी 9:18 हो रहा है, 9 बजे मैं घर से निकल गया, ड्यूटी आया हूँ एक हॉस्पिटल में। यार इतना खूबसूरत हॉस्पिटल है ना भाई, मजा आ गया देख के हॉस्पिटल को। अभी दिखाता हूँ हॉस्पिटल कैसा है, आप भी मजे लो। देखो भैया हॉस्पिटल का नाम क्या है पता नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, बता के मेंशन कर दूंगा हॉस्पिटल का नाम क्या है। ठीक है, पार्किंग पार्किंग तो नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे ये है नीचे पार्किंग का। वाह, एक एक मस्जिद है भाई साइड में, आपको इंशाल्लाह अगर टाइम मिलेगा ना तो मस्जिद जरूर दिखाऊंगा भाई, इतनी खूबसूरत। मैं दुनिया में मतलब दो देश घुमा हूँ मैं। ये देखो भाई कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है ये, देखो कितने वो बनाए ये, जैसे बच्चे को माँ जन्म देती है ना उस तरीके का है ये पूरा। एक कोख में बच्चा कैसे रहता है वो दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखो पानी है पूरा, वो है मस्जिद, दो दिख रहे हैं ना मीनारे। अभी तो बस मैं दिखाऊंगा नहीं, बस पूरा आपको एक वीडियो उसका बना के जरूर डालूंगा। कभी इधर आऊंगा ना, मैं अकेला जाऊंगा मस्जिद को, उसका नाम भी मुझे पता नहीं मस्जिद का, सब पता करके डालूंगा। ये देखो भैया, वाह भाई वाह, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत हॉस्पिटल है ये। पार्किंग कहाँ पे भी, हॉस्पिटल ही है ना यहाँ। पार्किंग नीचे जाना पड़ेगा, और ये पार्किंग भी देखो भाई बड़ा तगड़ा पार्किंग है इसका। ओ राउंड अबाउट भी, पार्किंग में भी राउंड अबाउट, हर जगह राउंड अबाउट। अबे बाहर निकलना कैसे भी, पार्किंग अगर लगा दिए तो पैसे का है क्या ये, फ्री का तो है नहीं, फ्री का है ना भाई, पैसा वैसा तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि देख रहे हैं पार्किंग कैसा है। चलो भैया फाइनली फोन आ गया, निकल पड़े हमें। 11 बजे फोन आया मुझे, 9:18 को मैं इधर आया था, 11 बजे मुझे फोन आया, अभी जा रहा हूँ घर। घर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं, चलेंगे अभी सीधा। अभी भैया सूत्रों से पता चला है कि हॉस्पिटल का नाम सिद्रा हॉस्पिटल है, सिद्रा हॉस्पिटल कतर। तो दोस्तों आज, कल मेरी ड्यूटी नहीं थी, हॉस्पिटल में लास्ट था मैं, हॉस्पिटल से जाके आया, मेरे को सर्दी चढ़ गई भाई पता नहीं क्यों। कल गोली वोली खाया और फिर भी थोड़ा आराम दिख रहा है, अभी आके खाना वाना खा के सो गया मैं, सोचा कि वीडियो नहीं बनाओ, तबीयत खराब है मेरी। आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मा मुबारक। मैं सुबह उठ के जिम के लिए गया था, अभी 6:30 हो रहा है सुबह के, ठीक है। जिम के लिए गया था 5 बजे उठ के। जिम जो है आज बंद है, मतलब आज
छुट्टी है 4 बजे से रात के 9 बजे तक है आज। वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था, मुझे मालूम नहीं था क्योंकि आज मेरा दूसरा दिन है ना, मुझे मालूम नहीं था। उन्होंने बोला था मेरे को सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक, लेकिन जुम्मा के दिन कैसा टाइमिंग है वो नहीं बताया था। तो अभी अभी मेरे को गाड़ी उड़ी साफ करना है क्योंकि 2 हफ्ता हो गया है गाड़ी में जुम्मा के दिन ही साफ फाइनल कर रहा हूँ, जुम्मा जुम्मा। तो इसीलिए अभी मेरे को गाड़ी, 2 गाड़ी साफ करना है, एक मेरी एक कफील की, ठीक है। तो अभी गाड़ी वाड़ी साफ करेंगे फिर बाद में मिलेंगे। आज जुम्मा है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाती है, देखते रहिए। तो भैया अभी हुआ कुछ ऐसा है कि अभी मैं ना, मेरे को तबीयत खराब हो गई थी, मेरे को आराम नहीं हो रहा था। फिर मैं सोचा कि हॉस्पिटल जा गया हूँ, नहीं हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए मैं बोल दिया इनको, मेरे तबीयत का बारे में मैं बता दिया इनको, बोला कि 1 मिनट। हाँ अबे यार भारी जूस है, बिस्मिल्लाह। अभी मैं ना, मेरे तबीयत के बारे में इनको बता दिया, दोपहर खाना खा के नमाज पढ़ के आगे बोलते कि हॉस्पिटल जा गया और दिखवा गया। आज जुम्मा है ना, हॉस्पिटल भी बंद थे, हॉस्पिटल बंद थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं गया। मैं जाके गोली और गोली टैबलेट लेके आया और गोली खा के सो गया। इसको बोला था मैं, उससे बताया था हॉस्पिटल जा रहा हूँ और उसने बोली मना किया, उसने नहीं मत जा अभी, आज जुम्मा है, अब्बा के घर पे मुझे छोड़ के चले जाना, उधर ही पास में है। तो मैं बैठा था, फिर थोड़ी देर बाद फिर उसी ने कॉल किया, कॉल करके बोलती है कि चले जा हॉस्पिटल जाके दिखवा गया। मैं हॉस्पिटल का नाम लेके गया, फिर जाके गोली वोली लेके आके फिर मैसेज किया मैं, मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना है अभी, मेरे को गोली खा के सो जाना है, फिर अगर आराम नहीं होगा तो तभी मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। तो उसने बोला चल ठीक है। उतने के अंदर ये लोग ना, मैं जाके गोली लेके आने के अंदर ये इसके पति की गाड़ी में चले गए, उसके माँ बाप घर चले गए। फिर मैं उसको मैसेज किया, बोला कि 1 मिनट, बोला कि नहीं मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना है, गोली लेकर के खा रहा हूँ और आराम होगा तो देख लूंगा, नहीं तो फिर हॉस्पिटल जाऊंगा। उसने बोले चल ठीक है, 4 बजे मेरे अब्बा के घर आ जा। मुझे लगा वो तो चले गए, अभी जा रहा हूँ मैं उनको लेकर आने के लिए, 4 बजे बोला था उसने 4 बजे आने के लिए। तो अभी मैं 3:30 हो रहा है क्योंकि आधा घंटा मेरे को जाने के लिए लगता है, तो अभी जा रहा हूँ उसके माँ बाप के घर पे। पता नहीं लेके आना है या उधर ही कहीं लेके जाना है, पता नहीं। तो चलेंगे फिर उसके घर पे मिलेंगे।
पर 4 बजे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। अभी थोड़ा ही मतलब 2 मिनट का रास्ता है क्योंकि इस सिग्नल में रुका हूँ। हो भाई मैं इतना आंखी को सूरज मार रहा है ना, पानी आ रहा है आंखी में से। सर्दी होगी तो ऐसे ही होता है ना, मुझे काफी देर बाद सर्दी हुई यार यहाँ पे आने के बाद, नहीं तो सर्दी का नाम दूर दूर तलक नहीं है मेरे पास। क्यों क्या हुआ पता है, ये जो घर पे है ना, काम वाली पहला मालकिन को आया, मालकिन की बच्ची को आया, फिर उसके बाद में 2 काम वाली है, एक काम वाली को आया उसको ठीक हो गया, दूसरी काम वाली को हो गया, वो शायद ऑलमोस्ट ठीक होने वाली है, फिर मेरे को हुआ ये सर्दी। सर ये लोग ना कोरोना बोल के डर रहे, कोरोना नहीं है, बस ऐसे ही बीमारी है, ये सर्दी है। क्योंकि जो चलो अभी आ गए घर, बाद में मिलेंगे। ये अपन आ गए हैं कहीं एक नए जगह पे, पता नहीं कौन सी जगह है, नाम तो मुझे नहीं मालूम, बता के बताऊंगा। अभी मैं पेट्रोल डलवाने के लिए जा रहा हूँ, जो मेरा साथी है पीके भाई उसको फॉलो करते जा रहा हूँ मैं। देखिए आप भी, पता नहीं कहाँ कहाँ पे लेके जा रहा है वो। मिल गया, अच्छा उसके पीछे मेरे को मिल गया। तो अभी पेट्रोल है ना वो पूरा एकदम खाली हो गया है, तो अभी पेट्रोल डलवा रहे अपन। अबे यार ये मोबाइल लगवाने का ना जुगाड़ कर लिया मैं, एक मिनट दिखाता हूँ। यहाँ से निकाल के इसको यहाँ पे लगवा दिया, पूरा व्यू करेक्ट आता है। अभी देखो पेट्रोल जो है ई पे आया है, अभी एफ पे आएगा थोड़ी देर में, अभी महत्ते में हूँ। अबे उल्टा लगवा दिया, अबे पागल है यार, वो पागल है, घंटा क्या करते पता नहीं। ये देखो ऐसे यहाँ से लेके उसको यहाँ पे लगाया है, ये पागल है, तू पागल है क्या, तू पागल है, देखो तुम पागल है, ऐसे कौन लगाता है। वो उधर तो भी आना चाहिए ना घुमा के गाड़ी, मेरे को मुश्किल है, तुमने उधर रुका क्यों नहीं, तुमको बोला आने के लिए, बोला हाय बोल, तुम आराम से हाय बोल, तुम पागल है हाय बोल, तुम पागल है। इतना हो गया भाई, कितने का हो गए, अभी तो फुल ही नहीं हुआ, अभी बहुत ज्यादा है। चलो ये वाला जो अभी मैं मोबाइल जो लगाया हूँ ना, अभी जो सामने का व्यू और पीछे का व्यू कैसा आ रहा है कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो अभी पेट्रोल डलवा के मिलेंगे वहां पे, जहाँ पे उनको छोड़ के आया हूँ वहां पे चल के मिलेंगे, दिखाता हूँ वहां पे क्या क्या है। स्क्रीन तो लगा हुआ है मैच देखने के लिए, खैर क्या करे भाई, स्टेडियम में जाके देखना है हमको। टैंक फुल हो गया, लेकिन अभी देखो चुपचाप सामने का व्यू कहाँ पे जा रहा हूँ बोल के। गए जहाँ पे छोड़ के गए थे वहीं पे, अभी उतर के इस जगह का आपको नजारा दिखाएंगे। गाड़ी पार्किंग हट रही है, मेरे को अभी लगवाना है,
और ये लो लगा भी दिया मैं पार्किंग गाड़ी को। अभी नीचे उतरेंगे। तो भैया हो गया अपन का काम, आते बराबर पार्किंग भी मिल गई, कुछ तो नहीं है। और ये देखो भैया इस जगह पे आए अपन आज, इस जगह का नाम ये मॉल में अंदर छोड़ दिए, पता नहीं इसको पूछना पड़ेगा। ये देखो अबे इन्हें मोबाइल पे देख रहा, स्क्रीन लगा उधर, आजा स्क्रीन में देखेंगे, मोबाइल में क्यों नेट को खत्म कर रहा है। अल्लाह अल्लाह भैया इस जगह का नाम है क्या? नंबर में उसको छोड़ दिया। ऐसा हुआ कि वहाँ पे स्क्रीन में ना मैच देख रहे थे अपन, अभी हमको कुर्सी में बैठ के देखने के लिए होटल में अंदर घुसे जबरदस्ती ना, वो कुर्सियों में बैठने के लिए 14-14 रियाल की 2 कॉफी पीना पड़ रहा है हमें। अभी चलो दिखाता हूँ कैसे बोल के नहीं, ये देखने के लिए ये कुर्सियों में बैठने के लिए बोल रहा। मॉल के अंदर का नजारा, तो भैया 14 रियाल की काफी तो पी लिए, लेकिन मजे की बात पता है, मैच देखते देखते वो कोरिया का एक टीम था और एक था रोनाल्डो का, यार मुझे एक थी कोरिया के पता है, चीना में जब सामान वामान बनता है ना, चीना में हो या कोरिया में हो, पता नहीं कहाँ कहाँ पे बनता है मेडियन, लेकिन सबसे अच्छी बात इतना हंसा मैं भाई उनके नाम सुन के, नीचे नाम आ रहे थे कोरिया वालों के, पता है क्या आ रहे, सैमसंग हवाई, मुझे लगा कोरिया वालों के नाम आपको पता नहीं है तो बोल दो, सैमसंग है, हवाई है, वीवो है, पता नहीं क्या क्या है, छोड़ दो अभी क्या करें। तो अभी आ गए अपन घर आ गए, और कल का और ये आज का वीडियो जो है ना दोनों मिला के मैं पोस्ट कर रहा हूँ, और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी है बनता है करो, और नहीं लगे तो भी डिसलाइक तो करो, व्हाट कुछ भी करो करो व्हाट, ठीक है। तो अभी चलेंगे घर में आ गया मैं, यहाँ पे थोड़ा सामान लेने के आया था दुकान पे, तो अभी जा रहा हूँ घर, ठीक है, मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो में, तब तक बने रहिए।